विजय दिवस के अवसर पर भारत नेपाल मैत्री समाज के सदस्यों ने कूड़ाघाट स्थित अमर शहीद लेफ्टिनेंट गौतम गुरुंग की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर विजय दिवस मनाया। इस अवसर पर भारत नेपाल मैत्री समाज के अध्यक्ष अनिल कुमार गुप्ता ने कहा कि आज ही के दिन 1971 में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के शासनकाल में भारतीय सेना के जसजीत सिंह अरोरा के समक्ष पाकिस्तानी सेना के नियाजी के साथ 93,000 पाकिस्तानी सेना के जवानों ने आत्मसमर्पण किया था और आज ही के दिन इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान से अलग हुए हिस्से को बांग्लादेश का नाम देकर उसकी बुनियाद रखी थी। साथ ही आज ही के दिन भारतीय सेना के मानकशाह को जनरल की उपाधि से सम्मानित किया गया था, जिससे भारतीय नेपाल मैत्री समाज भारतीय सेना के पराक्रम को शौर्य दिवस के रूप में मनाते आ रहा है। इस अवसर पर ओमकारनाथ मिश्रा, कैप्टन अकुल हसन अंसारी, VN पोद्दार, VC शर्मा, प्रताप यादव, जोगिंदर निषाद, रामराज फेकू प्रसाद, अशोक सिंह, विनोद सिंह, सतीश सिंह, मार्कंडे सिंह सहित भारत नेपाल मैत्री समाज के अन्य सदस्य मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारत नेपाल मैत्री समाज के अध्यक्ष अनिल कुमार गुप्ता ने कहा, भारत माता की जय, भारत वीरों की जय, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद। सपूत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, वीर सपूत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, वीर सपूत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, वीर सपूत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अमर रहे, भारतीय सेना जिंदाबाद, 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 भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अनिल कुमार गुप्त, अध्यक्ष भारत नेपाल मैत्री समाज। आज सन 1971 में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के समय में पाकिस्तान पर जो आक्रमण हुआ, उसमें 93,000 पाकिस्तानी फौजों को आत्मसमर्पण के लिए हमारी भारतीय सेना ने मजबूर किया और बांग्लादेश की बुनियाद बनी, उसकी खुशी में आज हम अपने भारतीय सेना का शौर्य दिवस मना रहे हैं। ये हमारे भारतीय सेना का शौर्य दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष हम मनाते रहे हैं। भारत नेपाल मैत्री समाज इसको मनाता रहा इसी गुरु प्रतिमा के समक्ष, और यहाँ इसलिए हर कार्यक्रम सेना से संबंधित मनाया जाता है क्योंकि ये एक शहीद की प्रतिमा है और हम ये चाहते हैं कि यहाँ कार्यक्रम करने के साथ ही हम शहीदों की शहादत को नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं।